हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में शादी का खाना खाकर 300 लोग हुए बीमार। सोजत और बगड़ी के अस्पतालों में पहुंचे मरीज, एक एक बेड पर दो दो मरीज, चिकित्सा प्रशासन अलर्ट पर। सोजत रोड पाली जिले में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद करीब 300 से ज्यादा लोगों की फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब हो गई। सभी बीमार लोगों को सोजत सिटी, बगड़ी नगर और आसपास के ग्रामीण अस्पतालों में भर्ती कराया गया। मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि एक एक बेड पर दो दो मरीजों को रखा गया। राजस्थान के पाली जिले में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 300 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। मेहमानों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायतें आने लगी। इनमें से 150 से ज्यादा लोगों को सोजत रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ग्रामीण इलाकों के अस्पताल में जगह कम पड़ने पर 50 से अधिक लोगों को सोजत सिटी और बाकी को बगड़ी नगर सहित नजदीकी ग्रामीण अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पूरा मामला सोजत रोड कस्बे के धुंधला गांव का है। तबीयत बिगड़ने वालों की संख्या देर रात तक इतनी बड़ी कि एकाएक बड़ी संख्या में फूड पॉइजनिंग के केस आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना के बाद चिकित्सा व्यवस्थाएं अलर्ट मोड पर आ गई। सोजत रोड अस्पताल में बेड कम पड़ गए। एक बेड पर दो दो मरीजों को रखा गया। आसपास के गांवों के अस्पतालों के सभी चिकित्सकों को सोजत व सोजत रोड अस्पताल बुलाया गया। देर रात तक मरीजों का उपचार जारी था। कई लोगों को तो अस्पताल की गैलरी में ही बिस्तर बिछाकर इलाज करवाना पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पाली से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देर रात सोजत रोड पहुंचे और चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चिकित्सकों को जरूरी निर्देश भी दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रभान सिंह, CMHO डॉक्टर विकास मारवाल, मारवाड़ तहसीलदार रामलाल मीणा, सोजत के विकास अधिकारी डॉक्टर सुनीता परिहार, सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़, सोजत रोड थाना अधिकारी ऊर्जा राम सहित पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा, जहां डॉक्टर निरंजन सिंह, डॉक्टर संतोष चौधरी, मेल नर्स मानक चंद, कुलदीप अग्रावत, वीणा गुप्ता, कैलाश रावत, भोती मीना, गोविंद मारू, जालम सिंह, स्नेह लता, श्रवण चौधरी, निर्मला, हेमा राम सहित समस्त स्टाफ ने अपनी सेवाएं दी। मैं खुद ही मौके पर आया हूँ। यहाँ किसी शादी समारोह में ये रबड़ी कुछ खाई थी उन लोगों ने, तो उसके बाद में उनको फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हुई थी। तो तकरीबन अब तक 85 लोग एडमिट हुए हैं सोजत रोड में। मैंने लगभग सभी पेशेंट से बात की है, सभी होश में हैं और थोड़ी पेट की प्रॉब्लम थी तो उनको प्रारंभिक ट्रीटमेंट यहाँ के हॉस्पिटल में जो स्टाफ है उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। छोटे हॉस्पिटल में होते हुए 85 लोगों को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करके सबको ड्रिप और सबको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे दिया है। उनमें से कुछ लोगों को रिलीव भी कर दिया है। जब यहाँ जगह नहीं बची तो 15 लोगों को हमने सोजत सिटी भिजवाया। बाकी सभी अरेंजमेंट्स है, कोई भी अभी तक कोई भी पेशेंट सीरियस नहीं। सर आसपास के किसी और हॉस्पिटल में जाने की कोई जानकारी? व्यवस्था अभी हमने भिजवाया है यहाँ से सोजत सिटी। बाकी पाली में व्यवस्था करा रखी है, सोजत सिटी में व्यवस्थाएं करा रखी है। पुलिस और प्रशासन के सारे वाहन और एम्बुलेंस सबको पाबंद कर दिया था कि भाई जो भी बैठ के जाना चाहे उनको ले जा सकते हैं। बाकी अभी फिलहाल कोई भी पेशेंट सीरियस कंडीशन में नहीं आया। सोजत रोड हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वो बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है। मैंने आते ही देखा हर आदमी लग गए हैं और कोई भी पेशेंट बिना ट्रीटमेंट किया और टाइमली ट्रीटमेंट। सोजत रोड से जागरूक टीवी के लिए बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।